ॐ नमः शिवाय। शिवो मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कलंत्री ईशांत एम्पोरियम की तरफ से यहाँ। अब पहले तो यहाँ इंडोनेशिया में रुद्राक्ष ये जंगल में आया करते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया भर में रुद्राक्ष की इतनी मांग होने के कारण अब यहाँ के खेती बाड़ी वाले लोग अपने दूसरे क्रॉप्स छोड़ के रुद्राक्ष की खेती करने पे आए हुए हैं। अब मैं ऐसी एक खेती में खड़ा हूँ, ये पहाड़ी पे लगाया हुआ है और ये देखिए, ये पूरे रुद्राक्ष का पेड़ है। अलग अलग पेड़ अलग अलग समय पे लगाया हुआ है, ज्यादा करके ये 2-3 साल के पेड़ है। और अब ये अलग अलग मिक्स एंड मैच थ्योरी है, अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष के पेड़ को लगाया हुआ है। इसका अर्थ ये है कि कभी किसका दाना चल जाता है ज्यादा, उसकी डिमांड ज्यादा होती है तो वो भी है उनके पास बेचने के लिए, और किसी का कम चला तो ठीक है, ज्यादा बेचने के कारण, ज्यादा डिमांड वाले के कारण वो बच जाते हैं फाइनेंशियल लॉस से। कभी कभी कुदरती कारणों से कोई दाना या कोई पेड़ ज्यादा पक जाता है, ज्यादा फल आते हैं उससे, और किसी में कम आते हैं। तो हर प्रकार की प्रजाति लगाया जाता है ताकि वो हरदम सेफ रहे। ये जो फिनोमिनन है, ये जो बात है, आजकल बहुत सारे किसान कर रहे हैं और उससे उनको तगड़ा मुनाफा हुआ है। ये एक खेत है, शायद मैं आपको और भी ऐसे खेत दिखाऊं जहां बिल्कुल छोटे छोटे पेड़ लगाए हुए हैं। मैं यहाँ कालीपुर ये पहाड़ी के पास खड़ा हूँ और यहाँ मैं एक प्राइवेट नर्सरी के सामने खड़ा हूँ, और ये सब जो पौधे आप देख रहे हो ये रुद्राक्ष के पौधे है, तकरीबन 1 साल के पौधे है। इनका बहुत ज्यादा डिमांड है इस तरफ कि हर एक जो किसान है अब वो ये पौधे लगाना चाहता है और उसमें से सबसे ज्यादा पैसा बनाना चाहता है। इसलिए यहाँ के लोगों ने नर्सरी शुरू की है, और मजे की बात यह है कि यहाँ उन्होंने सिर्फ रुद्राक्ष के पेड़ों की नर्सरी की है, बल्कि बहुत सारी और चीजें भी यहाँ बिकती है, लेकिन इन्होंने कैशिंग करने के लिए सिर्फ ये रुद्राक्ष के पेड़ यहाँ लगाए हुए है। ये तकरीबन 1 साल के पेड़ है। इसके अलावा यहाँ मैं इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ये जो पेड़ है ये तकरीबन 2 साल के पेड़ है। ये अभी फिलहाल इसको ऑर्डिनरी पेड़ बोलते हैं या ऑर्डिनरी दाने देने वाला पेड़ बोलते हैं। ये थोड़े और समय के बाद एक काट के दूसरा पेड़, अच्छे क्वालिटी का पेड़, इसमें ग्राफ्टिंग किया जाएगा। ग्राफ्टिंग का वीडियो अलग से आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख सकते हो। ग्राफ्टिंग करके वो मेदाना का दाना या और कोई भी अच्छा दाना लगा के इसका भी पूरी तरह वो फायदा उठा सकते हैं। ये तकरीबन पूरे पेड़ 2 साल के हैं, तो ये प्राइवेट नर्सरीज भी काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस से। और इतने सारे पेड़ देख के आप समझ सकते हो कि कितना डिमांड है रुद्राक्ष के लिए आज की तारीख में इंडोनेशिया के लिए, कितना बड़ा बिजनेस वो देख पा रहे हैं इस रुद्राक्ष के क्षेत्र में। इनफैक्ट यहाँ का लोकल इंडोनेशियन आदमी हार्डली कोई रुद्राक्ष पहनता है, एक आधा आदमी आपको रेयरली दिखेगा। ये सब ज्यादा करके आता है इंडिया ही, और बेसिकली इंडियंस ही इसके कंज्यूमर्स है। पिछले 4-1 सालों से चाइनीज इसके कंज्यूमर्स है, लेकिन चाइनीज कंज्यूमर्स है एज ओनली शोपीस या गिफ्ट आर्टिकल, उनके लिए एक ज्वेलरी है, इनके लिए वो कोई आध्यात्मिक चीज या भगवान से रिलेटेड चीज नहीं है। तो यही मेरा वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार, शिवम कल्याणम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर कीजिए।